हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज मस्ट पर। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में बताया था, मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स में पूछ रहे हैं लोग कि सर ब्रेन का टीबी कैसे होता है, क्या होता है। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसका नाम है TBM यानी ट्यूबरक्लोसिस मेनिनजाइटिस। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये होता क्या है, ये फेफड़ों का इन्फेक्शन टीबी का बैक्टीरिया ब्रेन में कैसे पहुंचता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका हमें पता कैसे चलता है और फाइनली इसका इलाज क्या है। हाँ, ये जो बीमारी है टीबी, जब इसका कीटाणु हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है तो ये बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है जिसमें डेथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं लिया है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और अगर कुछ भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेरी पूछनी है तो आप मेरी डॉकवाइज ऐप पर आ सकते हैं जिसपे मेरा पिन स्क्रीन पे दिया हुआ है या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीबीएम यानी ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज मस्ट को और बेल आइकन को जरूर दबाएं जानने के लिए अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ये टीबीएम होता क्या है, ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस। जब ये बैक्टीरिया ब्रेन की कवरिंग यानी मेनिनजेस को इन्फेक्ट कर देता है तो एक इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है वहां पर या फिर बेस ऑफ ब्रेन में या ब्रेन स्टेम में, ये सब ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर जब हमारे सीएनएस सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है टीबी का बैक्टीरिया तो हम उसे ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस बोलते हैं या फिर मेनिनको एनकेफलाइटिस बोलते हैं। आखिर ये फैलता कैसे है, मतलब जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है टीबी का प्राइमरी सोर्स, वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है। हमारे भगवान ने ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया है जिसमें हमारे ब्लड का कुछ भी इन्फेक्शन है, टॉक्सिन्स है, वो एक बैरियर के थ्रू ही पहुंच सकते हैं ब्रेन में, मतलब एक प्रकार का उसमें रोक लगाई हुई है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया या कुछ इन्फेक्शन कई बार उसे क्रॉस कर जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिससे कि वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कर देते हैं। ऐसे ही ये टीबी का बैक्टीरिया जब फेफड़ों से ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है और इसके फिर लक्षण आने चालू हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इस वीडियो का, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होंगे कि लक्षण क्या है टीबी के तो हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे। इसमें जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है टीबी की, उसे आप जरूर देखें, उसमें डिटेल में सारे लक्षण दिए हुए हैं। सारे वो लक्षण तो होते ही हैं इसमें, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अगर शरीर में है तो ये लक्षण आएंगे, जैसे कि बुखार का होना, थकान होना, शरीर में दर्द होना, भूख का नहीं लगना या कम लगना, वेट लॉस होना, वजन घटना। तो ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है जो कि टीबी का इन्फेक्शन शरीर में कहीं पर भी है तो ये जरूर होंगे। अब ऑर्गन स्पेसिफिक, मतलब आज हम टीबीएम की बात कर रहे हैं तो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होंगे। इसमें ब्रेन से रिलेटेड में पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकती है, पेशेंट वोकल हार्ट में रह सकता है, इरिटेबल हो सकता है, हर बात पे इरिटेट हो रहा है, एल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम बोलते हैं AMS, जिसमें कि पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है, इरिटेबल रहता है, हाथ पैर मारता है, ढंग से बात नहीं कर पाता है, अपनी बात को समझा नहीं पाता है, गुस्से में रहता है। तो ये सब स्टार्टिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है या फिर समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसमें पेशेंट धीरे धीरे ड्राउजी हो जाता है, जैसे कि कम रिस्पॉन्स करना, हमेशा सोते रहना और जगाने पर भी नहीं जगना, बहुत मुश्किल से बस आओ की आवाज निकाल पाता है पेशेंट, इसे ड्राउजी स्टेट बोलते हैं। और अगर इससे भी आगे निकल जाता है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, जी हाँ, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट टीबीएम में। बीच के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सीजर आना, मतलब दौरे पड़ना, तो ये भी इसमें हो सकते हैं टीबीएम में। फिर साथ में क्या आता है, हेडेक हम स्टार्टिंग में बोलना भूल गए, हेडेक, सरदर्द इसमें जरूर होता है। मोस्ट ऑफ द केस में पाया गया कि सरदर्द जरूर होता है क्योंकि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें साथ में FNDs हम बोलते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो सकते हैं कि
जरूरी नहीं है कि पेशेंट पूरा कंफ्यूजन में है, कोमा में चला गया है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन को अटैक करता है टीबी का बैक्टीरिया। जैसे कि अगर विजुअल पार्ट को अटैक करेगा तो हमारा विजुअल इंपेयरमेंट आएगा, मतलब आंखों की रोशनी हमारी कम हो जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, कई बार ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। या फिर पर्टिकुलर ब्रेन के किसी पार्ट में कर दिया तो लकवा मार गया, ये हमारे चारों हाथ पैरों का मार सकता है, किसी दो जैसे एक साइड का मार सकता है लकवा, या फिर किसी एक हाथ का एक पैर का ऐसा लकवा हो सकता है। इसमें इसमें लकवे में या तो पूरा का पूरा वीकनेस हो सकती है या फिर बिल्कुल ही पैरालिसिस हो जाएगा, जिसे हम फालिस बोलते हैं, कि बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स है इसके टीबीएम के, और बाकी एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स चेक करेंगे तो और भी कुछ साइन होते हैं, वो यहाँ पर आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, आखिर इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। डायग्नोसिस मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्रेन का इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस का है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इसमें मोस्टली तो इसमें पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत ही पड़ती है। फिर वहां पर जो रूटीन टेस्ट है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताए हैं आपको, सीबीसी, ईएसआर, चेस्ट एक्सरे, ये सब तो हमें कराने ही पड़ते हैं, मोन्टुक टेस्ट, तो ये हमें कराने हैं, इससे हमें टीबी का पता चलता है। स्पेसिफिकली हमें करना होता है इसमें सीएसएफ का एग्जामिनेशन। सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि पानी होता है हमारे ब्रेन में, हम उसे रीढ़ की हड्डी से एक छोटी सी पतली सी नीडल होती है उसे डाल के थोड़ा सा 5-10 ml निकाल लेते हैं, उसे लैब में भेजते हैं जांच के लिए, जिसमें कि हम सेल काउंट देखते हैं कि किस प्रकार के सेल उसमें डेवलप हो रहे हैं, किस प्रकार का इन्फेक्शन है, शुगर का लेवल कितना है, प्रोटीन का लेवल कितना है, एडीए क्या है, एएफबी स्टेन पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इन सारे टेस्ट के कॉम्बिनेशन से हमें पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन जो है टीबी का है या फिर किसी और बैक्टीरिया का या वायरस का है। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करने में बहुत हेल्पफुल है सीएसएफ का एग्जामिनेशन। साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ जाती है। सीटी स्कैन से हमें हाइड्रोकेफलस का पता चल सकता है, क्योंकि इसमें जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेस ऑफ ब्रेन को भी ये अटैक करता है, मतलब जो ब्रेन का निचला पार्ट होता है जहां से पानी ब्रेन का ड्रेन होकर हमारे रीढ़ की हड्डी में आता है, वहां पर ये ब्लॉकेज कर देता है। तो वो हमें सीटी स्कैन में पता चल जाएगा कि हाइड्रोकेफलस है, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट कई बार करना पड़ता है, ड्रेन डालनी पड़ती है, उसका पानी निकालना पड़ता है वहां से। या फिर एमआरआई हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कराना ही पड़ता है, उससे हमें डिटेल में पूरे मेनिंजीज और वो सब का इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है कि हाँ इसमें साइंस मेनिंजाइटिस के है या नहीं है। तो ये थी जांच, साथ में पीसीआर वो सब मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया, आप वहां पर जाकर देख लें, और बाकी की जांचें क्या क्या होती हैं टीबी में। मोस्टली इससे हमें पता चल जाता है कि ट्यूबरक्लोस मेनिंजाइटिस है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जी हाँ, ट्रीटमेंट जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, क्वेरीज में भी बताता हूँ, अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता हूँ, कि टीबी का ट्रीटमेंट पूरा संभव है, सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर वक्त पे और सही तरीके से कोर्स लिया जाए। इसकी दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग में 2 महीने तक हम इंटेंसिव थेरेपी देते हैं, जिसमें 4 से 5 ड्रग तक देते हैं, मोस्टली 4 ड्रग्स देते हैं, और 2 महीने के बाद फिर हम उन्हें आधी कर देते हैं, नॉर्मली 2 दवाइयाँ देते हैं। टीबीएम में 10 महीने का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट और 2 महीने का इंटेंसिव मिलाकर 12 महीने का ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है मिनिमम। साथ में स्टीरॉइड्स का भी रोल आता है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मोस्टली केसेस में स्टीरॉइड देते हैं स्टार्टिंग में, ये सब डॉक्टर डिसाइड करेंगे। प्लीज 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 टीबी का कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप स्टार्ट नहीं करें, अपने आप बंद नहीं करें। कोई भी परेशानी होती है इन दवाई को खाने के बाद तो आप जरूर डॉक्टर से मिलकर ही उसे चेंज करें या फिर बंद करें। अपने आप से या गूगल पर देख के या यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, चाहे मेरी वीडियो है, किसी और डॉक्टर की वीडियो हो, उसे देखकर अपने आप से जस्टिफाई नहीं करना है ट्रीटमेंट। हमेशा फिजिकली डॉक्टर के पास जाना है, तभी चेक कराना है, और वो जब जैसे बताते हैं डॉक्टर वैसे फॉलो करना है, नहीं तो इस बीमारी में जान जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब हम इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बीमारी हो गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में जैसा मैंने अभी पहले बताया था, हाइड्रोकेफलस हो सकता है, मतलब जो पानी की थैली है अंदर ब्रेन में, थैली बोल सकते हैं, बाकी स्पेस होता है वो, तो वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, कई बार उसमें ड्रेन डालने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने सिम्टम्स में जाना था कि
कंफ्यूजन हो सकती है पेशेंट को, कोमा तक में जा सकते हैं, तो इसमें रिकवरी में कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मान ले टीबी का इन्फेक्शन ठीक हो भी गया है लेकिन पेशेंट अच्छे से होश में नहीं है, या फिर सिर्फ आँख खोल पा रहा है, या सिर्फ बात कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस पर आ सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कई बार स्पीच अच्छी नहीं होती, विजुअल हियरिंग अच्छी नहीं होती, तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है, रिहैबिलिटेशन का रोल है, कोऑर्डिनेटिव थेरेपीज का रोल है। तो इसमें अलग अलग थेरेपीज आपको लेनी पड़ेगी, साथ में फैमिली को बहुत अच्छी सपोर्ट और केयर की जरूरत पड़ती है जब ये ऐसे केसेस आ जाते हैं। लेकिन फाइनली सब में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है अगर हम सही समय पर इसका इलाज करें, पूरा करें। और इसका पूरा इलाज करने का एक और मकसद है कि ताकि MDR नहीं हो। मान लिया आपने कुछ दिन दवाई ली, आप ठीक हो गए हैं, 6 महीने 7 महीने खा के आपने दवाई छोड़ दी जबकि डॉक्टर ने बोला था कि 12 महीने तक खाएं, वो बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, वो पूरा नहीं मरता है। दवाई बंद करने कुछ समय बाद, 1 साल बाद 6 महीने बाद या 5 साल बाद वो दोबारा शरीर में एक्टिव हो जाता है और उस समय उसे ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो प्लीज 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 ट्रीटमेंट को पूरा लें। तो ये था TBM के बारे में, यानी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर भी और अदर प्लेटफॉर्म पर भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल सके। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बीच बीच में लाइव आना मैंने स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पर, आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। और DocWise App पर आप मुझसे डिटेल में क्वेरी पूछ सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वहां मेरा पिन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, यहां स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, और वहां पर मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूं, आप मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।